बीजेपियों से आठ पार्टी मतलब बीजेपियों से दुखी। आपके साथ कितने लोग और जाएंगे, कितने लोग आपके साथ जाएंगे? वो संख्या लाखों होती है, इसलिए हम उसको नाम इंगित नहीं कर सकते। इतनी लाइट तो देने का नहीं, लाखों का जन्म। पांच छह विधायक ऐसे मुझसे कहा था कि पांच छह विधायक ऐसे मुझे, मैं जानता हूँ जो आप कहाँ जाएंगे, अनिल मौर्य, ममता साहब, रोशन साहब, क्या ये लोग आपके साथ जाएंगे? कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। दो दिन के बाद ये लोग सम्मान, जब तक आपने मुझे इंटरव्यू दिया था सम्मान में आप रहेंगे, सम्मान में कमी क्या? आज मैंने जो इस्तीफा दिया उसका संज्ञान लें, और साथ ही साथ इस्तीफा क्यों दिया उसमें मैंने कारण बताया। आपके सम्मान में क्या? स्वामी प्रसाद गौरिया हमारे साथ इस समय हैं और एक बड़ी तस्वीर यहाँ से निकल कर जा रही है, क्योंकि पूर्व मंत्री हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद जी, सबसे बड़ी खबर आप दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप झटका दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुतों को झटका दिया है, तो मैं अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रहा हूँ तो कौन सी नई बात है? ऐसी क्या दिक्कत है, क्या बड़ी दिक्कत रही, क्या बड़ी कारण रहे जिसकी वजह से बीजेपी को आपने छोड़ दिया? उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल जी की कहा उल्लेख कर दिया है, जिसके कारण मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल से मंत्री पद आपको मिला। मोदी समाजवादी पार्टी ने तो क्या कुछ उनसे बात आती हुई पार्टी से बात हुई है? बीजेपी पार्टी के जिस नेता ने भी मुझसे टेलीफोन बात किया, तो क्या अखिलेश यादव जो फोटो पोस्ट कर रहे हैं कहीं वो दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं आप? अमित शाह जी से, नड्डा जी से, आपको आप किसी से फोन पे बात नहीं कर रहा लगातार आपको? आपका ये कहना गलत है। मैं आज भी सुबह श्री दिनेश शर्मा जी डिप्टी सीएम श्री बलसर जी से बात किया, नाराजगी स्वाभाविक रूप से प्रेम चला गया पार्टी की उपेक्षात्मक रोजी के नाते ये निर्णय मुझे लेना पड़ा है, और इसलिए इस निर्णय को लेने मुझे कोई दुख यहाँ बताना चाहिए वहाँ मैंने बता दिया। राज्यपाल जी मंत्रिमंडल में मंत्रियों को नामित करती है, मनोनीत करती है, और माननीय राज्यपाल जी की कृपा से ही सभी मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्री कार्य करते हैं, इसलिए जिसकी कृपा से मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिन्होंने मंत्री के रूप में मनोनीत किया था, उत्तर प्रदेश के ऐसे माननीय श्री राज्यपाल जी को मैंने तथ्यों सहित इस्तीफा देने का कारण बताइए। इस्तीफे का असर क्या होगा? असर बताइए। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्च को क्या होगा फिर? 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को बताइए, 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को जो भी होगा वो जनता आपके सामने उस प्रणाम को देगी। आप मोदी अमित शाह से बात नहीं करेंगे? मोदी अमित शाह से बात नहीं करेंगे? टिकट देगी आपके बेटे को? टिकट देगी या मोदी अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? बात बेटी और बेटे की नहीं, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50 फीसदी टिकट दे दे, लेकिन जिस तरीके से 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा पढ़ा, मैं अम्बेडकर विचारधारा का, जल्दी बताओ, और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल नहीं आ रहा है, लो नहीं आ रहा है, कशक के साथ काम करना पड़ा, वो पीड़ा मेरी है। मायावती के सवाल पर मुस्कुरा रहे थे बहुजन समाजवादी पार्टी में जाने की बात, ऐसा तो नहीं है? लगाव उधर ज्यादा नहीं, अभी बातचीत होने दो। ये दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों विधायक आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। तब तक एक दो दिन में मैंने समय दे दिया है, और बार बार आप उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। एक दो दिन के अंदर बड़ा विकेट गिरा है, बड़ा विकेट गिरा है, बड़ा निर्णय भी आपको सुना दूंगा। बड़ा विकेट गिरा, बड़ा विकेट गिरा। सवाल है कि क्या आप सवार हैं हमारे साइकिल पर? क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि कहीं साइकिल की सवारी तो नहीं कर रहे हैं? साइकिल की सवारी या फिर एक दो दिन इंतजार करिए, सारी स्थितियां अपने आप। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कौन मुख्यमंत्री बनेगा बताइए आप? एक दो दिन के बाद मैं सब बता दूंगा क्या होने वाला है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसी भी कोई बात हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया था क्या? जिसमें आपने बात की है ये जनमत मिलने के बाद
पार्टी तय करती है और अभी हमारी चूंकि कोई पार्टी तय नहीं है इसलिए इसका जवाब मैं दो दिन जो आप चाहते हैं आप अन्य दल जब आप उसमें जाए तो वो आप चाहते हैं। देखिए सम्मान स्वाभिमान सबसे बड़ी संपत्ति है, मंत्री का पद भी उसके आगे छोटा है, इसलिए मंत्री आप लाख दे दो लेकिन हमारे मंत्रिमंडल के तमाम ऐसे मंत्री हैं जिसमें तमाम बंदिशें थी, खुल के काम नहीं कर पा रहे थे, यद्यपि ये मेरे साथ अनहोनी नहीं हुई क्योंकि जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मिजाज क्या है, पलट के जवाब देंगे, इसलिए किसी ने में मेरे काम में दखल देने अफसर साई से नाराज है क्या? लेकिन आपका कार्य ऐसा है सर जो अफसर साई कहीं ये कार्य बीजेपी के लिए खतरा बन जाएगा। बाबू जी बैठ जाइए। अफसर साई से नाराज है क्या? अफसर साई जो अफसर साई हमारे जिसकी बात होती है वो नाराज है। बाबू जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अफसर साई बाबू जी मुख्यमंत्री के सारे पे काम करते हैं, अफसर शाही की कोई गलती नहीं होती है, अफसर शाही से जिस प्रकार से आप काम लेना चाहेंगे उस प्रकार से वो काम करेगा, इसलिए नेता की नीति और नियम इस बात की निर्भर करती है।